वरुण गांधी की चुप्पी डरा रही भाजपा को, वरुण गांधी कर सकते हैं कोई बड़ा खेल। भाजपा में मची खलबली। पीलीभीत भाजपा की पसंदीदा सीट रही है। 2014 में नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने उसके बाद एक भी पीलीभीत का दौरा नहीं किया, क्योंकि वो मानते थे कि पीलीभीत भाजपा की सीट है, कमल खिलना तय है। लेकिन इस बार जब वरुण गांधी का टिकट काटा गया तो पीएम मोदी दौरा करने पहुंचे थे। डर इस बात का था वरुण गांधी कहीं खेल न बिगाड़ दें। वरुण गांधी की चुप्पी भाजपा में डर पैदा कर रही है। पूरा खेल क्या है, वरुण गांधी की चुप्पी क्यों भाजपा में डर पैदा कर रही है, आपको पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले गुजारिश है, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आखिर मामला क्या है, पीलीभीत की चुनावी लड़ाई में इस बार वरुण गांधी मौजूद नहीं है, लेकिन इससे इलाके में उनका असर कम नहीं हुआ है। पक्ष और विपक्ष दोनों के चुनाव प्रचार में उनकी छाप देखी जा सकती है। बीजेपी उम्मीदवार जितेंद्र प्रसाद सीधे तौर पर वरुण का नाम लेने से बच रहे हैं, वहीं विपक्षी उम्मीदवारों का जोर देकर कहना है जनता के मुद्दे उठाने के चलते बीजेपी ने उनका टिकट काटा। पीलीभीत की चुनावी लड़ाई में इस बार वरुण गांधी मौजूद नहीं है, लेकिन इससे इलाके में उनका असर बिल्कुल कम नहीं हुआ। पक्ष और विपक्ष दोनों के चुनाव प्रचार में उनकी छाप साफ दिखी जा सकती है। बीजेपी उम्मीदवार जितेंद्र प्रसाद सीधे तौर पर वरुण का नाम लेने से बच रहे हैं, वहीं विपक्षी उम्मीदवारों पर जोर देकर कहना है जनता के मुद्दों को जोर शोर से उठाने के चलते बीजेपी ने उनका टिकट काटा है। स्थानीय किसान मनिंदर सिंह का कहना है आप वरुण को चुनाव में नजरअंदाज नहीं कर सकते, वह और उनकी माता मेनका गांधी यहाँ से 6 बार सांसद रहे, इसलिए इलाके में उनका बड़ा प्रभाव है। वरुण की छवि एक ईमानदार नेता की है जो जरूरत पड़ने पर लोगों के साथ खड़े रहते हैं। वरुण गांधी इलाके में रखते हैं मजबूत पकड़। भंगा मोहम्मदी गांव के निवासी देवेंद्र भी गांधी परिवार के असर को याद करते हैं और कहते हैं उनके कारण ही इस इलाके में बीजेपी का लंबे समय तक कमल खिला हुआ है। हालांकि वरुण की जगह पीडब्ल्यूडी मंत्री जितेंद्र प्रसाद को उतारने के बाद बीजेपी की रणनीति में बदलाव आ गया है। वरुण ने पिछला चुनाव 2 लाख से अधिक वोटों के अंतर से जीता था। अब जितेंद्र प्रसाद के सामने ये चुनौती है वह वरुण गांधी को सफलता को दोहरा सकें। प्रसाद को भी इलाके में वरुण गांधी के असर की जानकारी है और इसलिए वे खुद को प्रधानमंत्री मोदी के साथ जोड़ रहे हैं और चुनाव अभियान के दौरान खुद को प्रधानमंत्री के दूत के रूप में पेश करते हैं। मोहम्मदी गांव में एक रैली के दौरान उन्होंने कहा आपका मेरे लिए दिया एक वोट मोदी को दिया गया वोट है। विपक्षी पार्टियां वरुण के बहाने भाजपा को घेर रहे। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन से सपा के उम्मीदवार भगवत शरण गंगवार वरुण की गैर मौजूदगी का इस्तेमाल लोगों को बीजेपी के खिलाफ एकजुट करने और अपने पक्ष में माहौल बनाने में कर रहे हैं। गंगवार ने सरकार से असंतुष्ट लोगों को लामबंद करने के इरादे से कहा किसानों और बेरोजगार युवाओं की वकालत करने वाले नेता का बीजेपी ने टिकट काट दिया, जो बताता है बीजेपी का जनता के वास्तविक मुद्दों के प्रति कोई हमदर्दी नहीं है। वरुण और मेनका की गैर मौजूदगी को विपक्षी उम्मीदवार एक मौके के रूप में देख रहे हैं। उनका मानना है लंबे समय बाद बीजेपी के इस गढ़ में उन्हें सेंध लगाने का मौका दिख रहा है। एक स्थानीय शिक्षक श्रीपाल शर्मा कहते हैं मेनका और वरुण ने पीलीभीत को बीजेपी का गढ़ बनाया था, उनकी गैर मौजूदगी में विपक्ष को यह सीट जीतने का मौका दिख रहा है।